हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो आज की वीडियो में रीजनिंग के मिसिंग नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ और दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या अप्रोच लगाना है जिससे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाए। तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों अच्छे सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए पहला क्वेश्चन लेके हूं। देखिए दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सॉल्व कैसे करोगे। दोस्तों ये क्वेश्चन देखोगे लेटर और नंबर साथ में मिक्स करके पूछा है, तो सबसे पहले क्या करोगे, जो लेटर दिए हुए हैं उसका नंबर लिख लोगे। तो देखोगे दोस्तों यहां पर ए दिया हुआ है, तो ए का नंबर क्या होता है, 1 होता है, और एम का नंबर क्या होता है दोस्तों, 13 होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर क्या करोगे दोस्तों, इस 1 को इस 13 से प्लस करके देख लीजिए तो 14 मिलेगा, लेकिन यहां पर तो 196 दिया हुआ है, तो क्या करोगे। तो आपको यह पता है दोस्तों कि 14 का स्क्वायर करने पर 196 मिलता है, तो लॉजिक मिल गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर D दिया है, तो D का नंबर क्या होता है दोस्तों, 4 होता है, और K का नंबर क्या होता है दोस्तों, 11 होता है, राइट। तो अब 11 प्लस 4 करोगे कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, और 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों यहां पर N दिया हुआ है, अगर दोस्तों यहां पर M का नंबर 13 है तो N का नंबर क्या होगा दोस्तों, 14 होगा, तो यहां पर मैं 14 लिख लेता हूं। और T का नंबर पता है मुझे कि T20, मतलब T का नंबर 20 होता है, तो S का नंबर क्या होगा, 19 होगा। तो 19 प्लस 14 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 33 मिलेगा। अब 33 का स्क्वायर करने में टाइम लगेगा, चलो आपको ट्रिक सिखा देता हूं मैं। देखिए कभी भी दोस्तों को दो डिजिट का स्क्वायर निकालना हो तो इस तरह से निकाल सकते हो आप इस तरह से लिख लीजिए आप। उसके बाद यहां पर देखोगे 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, लेकिन टू डिजिट मेंटेन करोगे, यहां पर 09 लिखोगे। फिर यहां पर देखोगे 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, क्या होगा दोस्तों, 9 होगा, तो यहां पर टू डिजिट मेंटेन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहां पर 3 3 9 9 2 18, एक डिजिट छोड़कर यहां पर 18 लिख लीजिए, फिर प्लस कर लीजिए, देखिए यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 1089। ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया है। तो दोस्तों आपको लॉजिक भी सिखा दिया और ट्रिक भी सिखा दिया। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे कैसे सॉल्व करोगे। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है सीपीयू 2020 में पूछा गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखोगे दोस्तों यहां पर 28 58 और यहां पर 118 दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों कभी कभार क्या होता है, इनको प्लस इस तरह करना होता है, कभी प्लस इस तरह से करना होता है, राइट। लेकिन ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, देखिए यहां पर ये 28 दिया, तो कहीं ना कहीं ये डबल लग रहा है, डबल के आसपास लग रहा है, और ये भी देखोगे तो डबल के आसपास जा रहा है, राइट। तो एक काम कर लेता हूं मैं, डबल करके देख लेता हूं। तो 28 को डबल करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो, कितना होगा दोस्तों, 56 आ जाएगा, तो यहां पर 56 लिखूंगा, लेकिन 58 लाना है तो मुझे क्या करना होगा, प्लस 2 करना होगा, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, 58 मिल जाएगा। अब एक काम करता हूं, 58 मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, 116 मिलेगा, तो यहां पर 116 लिखूंगा, मुझे 118 लाना है तो प्लस 2 करना होगा। मतलब ये समझ में आ गया है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और प्लस 2 से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर देखोगे तो ये 47 दिया हुआ है, तो 47 मल्टीप्लाई 2 करोगे कितना होगा, 27 से 14 कैरी, 1 2 4 8 और 9 94, राइट। तो 94 यहां पर 96 लाना है, तो प्लस 2 करोगे तो 96 आ जाएगा। अब क्या करना होगा दोस्तों, 96 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 26 जा 12, 2 कैरी 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, तो यहां पर 192 प्लस 2 कर लोगे तो 194 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख सकते हो दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया है। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व कैसे करोगे। दोस्तों देखिए यहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया है मैट 2002 में पूछा गया है, और यह भी क्वेश्चन दोस्तों लेटर और नंबर को साथ में मिलकर दिया हुआ है, राइट। तो यहां पर जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करना होता है, लेटर के नंबर को लिख लेना होता है। तो देखिए डब्ल्यू का नंबर क्या होगा दोस्तों, 23 होगा, और टी का नंबर क्या होगा, 20 होगा, और यहां पर 3 लाना है, देखिए लॉजिक मिल गया। क्या करना है दोस्तों, 23 और 20 माइनस कर दीजिए तो 3 मिल जाएगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एस का नंबर क्या होगा दोस्तों, 19 होता है, और डी का नंबर 4 होता है, 15 लाना है, तो इन दोनों को माइनस कर लीजिए, लॉजिक मिल गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। जी का नंबर क्या होता है, 7 होता है, और पी का नंबर क्या होता है दोस्तों, 16 साल का प्रिंस, मतलब यहां पर 16।
अब 16 माइनस आप 7 करो कितना मिलेगा दोस्तों, 9 मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सीख चुके हो। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व कैसे करोगे दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों सीबीआई 2003 में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर 39 है, तो यहां पर 6 दिया है, यहां पर 5 दिया है, तो लॉजिक क्या बैठता है दोस्तों कि 6 फाइजा कितना होगा दोस्तों, 30 होगा। देखिए इतना करीब मैंने नंबर ला दिया। अब यहां पर 3 दिया है, यहां पर 3 दिया है, मुझे 39 लाना है, तो क्या करना होगा, सिंपल है दोस्तों, 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो 9 मिल जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लूंगा तो 39 मिल जाएगा। देखिए लॉजिक यहां पर सेट हो रहा है, लेकिन देखना होगा कि ये लॉजिक यहां पर सेट होता है कि नहीं होता, राइट। तो यहां पर देखोगे तो 4 × 4 करता हूं मैं तो मुझे 16 मिल जाएगा, और 5 × 7 करूंगा मैं तो 35 मिलेगा, और इन दोनों को प्लस करने पर 51 मिल जाएगा। लॉजिक सेट हो गया है। तो इसी लॉजिक से दोस्तों ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर 4 × 3 करना होगा तो 12 मिलेगा, उसके बाद दोस्तों 5 × 5 है तो 25 होगा, तो यहां पर 37 आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 37 होगा। ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सम स्टार्टर से दोस्तों आपसे बात करना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो दोस्तों कि 10th का एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि कैसे प्रैक्टिस किया जाए जिससे अच्छा स्कोर कर पाए। तो मेरी टीचर मुझे कहा करती थी कि लास्ट 10 ईयर्स के पेपर अगर सॉल्व कर लो अगर आप, अगर तो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाते हो। तो आपके लिए बुक लेके आया दोस्तों, लाइए बुक लाइए, देखिए ये बुक लेके आया, काफी मोटी बुक है दोस्तों। यहां पर आपको पिछले 10 साल का पेपर आपको मिलेगा, वो भी सॉल्व पेपर मिलेगा आपको, मतलब हर एक पेपर के सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। तो इसके अंदर दोस्तों इस बुक के अंदर आपको यहां पर इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस सारे सब्जेक्ट के आपको यहां पर पेपर मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये बुक काफी अच्छी बुक होगी आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके आप परचेस कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट। इसे सॉल्व कैसे करोगे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी 2002 में, क्वेश्चन आया था। और जब भी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो लॉजिक दिमाग में ये आता है तो कहीं ना कहीं इस नंबर से इस नंबर का कनेक्शन होगा। तो यहां पर 15 दिया हुआ है तो 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 आएगा, लेकिन यहां पर तो दोस्तों 235 है, तो ऐसा लग रहा है मुझे कि माइनस यहां पर माइनस तो प्लस करना होगा, प्लस 10 करोगे तो 235 आ जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए दोस्तों 4 दिया हुआ है और यहां पर 59 दिया है, तो इसका स्क्वायर क्या था, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये नंबर नहीं आएगा, तो ये लॉजिक फेल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसे पैटर्न के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखिए 4 है और यहां पर 7 है, तो एक काम करता हूं मैं, यहां पर 4 × 2 करूंगा तो मुझे 8 मिल जाएगा, मुझे 7 लाना है तो -1 कर देता हूं तो मुझे 7 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी पैटर्न में 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 14 आएगा, राइट। तो यहां पर -1 किया था तो यहां पर 15 लाना है तो मुझे क्या करना होगा, +1 करना होगा तो मुझे 15 मिल जाएगा। अब देखिए 15 × 2 करूंगा तो मुझे 30 मिलेगा, मुझे 29 लाना है तो -1 करना होगा। देखिए लॉजिक मुझे मिल रहा है, पहले -1 किया, यहां पर +1 किया, यहां -1 कर रहे, राइट। तो यहां पर क्या करना होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई 2 करोगे तो आपको यहां पर 58 मिल जाएगा, यहां पर -1 किया था तो यहां पर +1 करना होगा तो आपको 59 मिल जाएगा, राइट। अब यहां पर +1 किया था, अब ये क्या होगा दोस्तों, 59 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 2 9 18, कैरी 1 2 5 10 11 118, यहां पर 117 लाना है तो -1 करना होगा, राइट। तो दोस्तों लॉजिक सेट हो गया, तो एक काम करते हैं, देखिए यहां पर -1 +1 -1 +1 -1 और ये +1 से ये आ गया, अब यहां पर -1 करना होगा, राइट। तो यहां पर दोस्तों 235 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 2 5 10, कैरी 1 2 3 6 7 2 2 4 4 7 0, अब 470 आ गया दोस्तों तो यहां पर -1 करना होगा तो 469 होगा। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैं आपको समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है दोस्तों अच्छी तरह से। और दोस्तों अभी आखिरी क्वेश्चन दोस्तों ये है कि ये क्वेश्चन SA 17 में पूछा गया है, और यहां पर देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर तो नीचे देखोगे
गया बड़ा नंबर दिया हुआ है और ऊपर तीन छोटे नंबर दिए हुए, मतलब इन तीन छोटे नंबर से ऐसा कुछ करना होगा जिससे हमें 72 मिल जाए। तो देखिए सबसे पहले काम करता हूं मैं, इन तीनों को प्लस कर लेता हूं मैं, तो यहां पर 7 + 6 कितना होगा 13 और 13 + 5 कितना होगा दोस्तों 18 होगा, राइट। तो यहां पर 18 मिल गया मुझे, तो 18 का डबल करूंगा तो मुझे 36 मिल जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पर 72 लाना है, अगर इसका मैं डबल करता हूं तो 2 6 12 कैरी 1 2 3 6 7, तो 72 आ गया। तो यहां पर ये लॉजिक मिला मुझे, लेकिन इस लॉजिक को यहां पर भी लगा के देखना होगा कि मुझे 50 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट। तो यहां पर देखोगे तो 2 + 5 = 7 + 8 = 15 होता है, तो 15 × 2 करोगे तो 30 मिलेगा, इसका डबल करोगे तो आपको 60 मिलेगा, लेकिन यहां पर 50 दिया है तो लॉजिक फेल हो गया है। कुछ और लॉजिक लगाना होगा, तो देखिए दोस्तों ध्यान से, अब एक काम करता हूं मैं 72, तो काम करता हूं 7 को 5 से मैं प्लस करके देखता हूं, 7 + 5 कितना होगा दोस्तों 12 होगा, राइट। अब यहां पर 6 दिया है तो 12 × 6 कितना होगा 72 होगा, तो ये लॉजिक को यहां पर लगा के देखता हूं मैं। अब देखिए ये 2 है और ये 8 है, तो 2 + 8 कितना होगा 10 होगा, और यहां पर 5 दिया है तो मल्टीप्लाई 5 करूंगा तो 50 मिल जाएगा, लॉजिक सेट हो गया है। तो इसी लॉजिक से दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो हम फाइंड कर पाएंगे। तो यहां पर 3 + 1 = 4 होगा, और 4 × 11 कितना होगा 44 होगा, ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और दोस्तों आपका एक लाइक आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।